और दोस्तों ये रिद्धि सोच में पड़ रही है, पड़ रखी है कुछ, पता नहीं क्या सोच रही है ये। रिद्धि क्या हो गया, क्यों सोच में पड़ रखी है? मैं सुपरमैन हूँ। सुपरमैन है तू? किसने बोला सुपरमैन है तू? मैंने बोला दुनिया का राक्षस। दुनिया का राक्षस? नहीं, दुनिया का रक्षा करने वाला हूँ मैं। अच्छा, रक्षक। तो देखिए जी, यहाँ पे रिद्धि, आंसू, राधे और ये आर्य है। तो इनका खतरनाक गेम चल रहा है दोस्तों। आर्य क्या खेल रहा? पीलू वालू जीत गए। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम अजीत नौटियाल है और आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से ऋषिकेश में। तो दोस्तों मैं अभी अपने घर पे हूँ और आज के नए ब्लॉग की नई शुरुआत दोस्तों यहीं से करता हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग थोड़ा मेरा लेट हो गया है क्योंकि आज मैं सुबह काम से कहीं बाहर चले गया था, श्यामपुर की तरफ चले गया था दोस्तों, हरिद्वार की तरफ, और वहीं बिजी रहा यार, किसी के साथ गया था मैं वहाँ और पूरा दिन वहीं रहा यार, आधा से ज़्यादा दिन वहीं वेस्ट हो गया। तो दोस्तों आज का व्लॉग अभी 2:30 बजे से स्टार्ट करूँगा, अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। और सबसे पहले दोस्तों मैं आज का सुंदर मौसम आपको दिखा लेता हूँ। आज के मौसम की बात करें दोस्तों तो हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं आज, और ये देखिए हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और ये पहाड़ियाँ तो दोस्तों लगभग बिल्कुल साफ दिख रही है। नरेंद्र नगर की पहाड़ी जो मैं कल के व्लॉग में दिखाया आपने, और ये सामने भी देख सकते हैं आप, ये वो नीलकंठ महादेव जी की पहाड़ी है और सूर्य भगवान भी बहुत अच्छे से दर्शन दे रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान। और मेरे साथ है रिद्धि। और रिद्धि क्या हो गया आँख में? आँख में कुछ चले गया। क्या चले गया? कबाड़ा। क्या कबाड़ा? कबाड़ा। क्या कबाड़ा? तुझे क्या पता? देख नहीं सकती कैसे क्या गया। दोस्तों आजकल हमारे ऋषिकेश में बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो गया यार, पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा बंदर आए हैं। मैं गांव में था, वहाँ भी आए हैं, वहाँ भी थे और चिनारी सौड़ में भी थे और यहाँ भी आए दोस्तों, तो यहाँ भी है। और पता नहीं ये कि ऐसा लग रहा है हनुमान जी की पूरी सेना ही यहाँ आ गई होगी, सारे बानर यहीं आ गए होंगे जैसे जहाँ मैं जा रहा हूँ, और वहीं सब दिख रहे हैं दोस्तों, बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, पूरी बानर सेना दिख रही है सारी जगह, और बहुत अच्छा लगता है वैसे। लेकिन यार नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वरना बंदर तो यार वैसे दोस्तों उन्होंने भी करना ही है अपने पेट भरने के लिए, सभी लोग करते हैं क्योंकि जंगलों में कुछ है नहीं, तो उन्होंने भी क्या करना, वो भी आबादी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों नुकसान तो नुकसान ही होता है वो कोई भी हो, लेकिन क्या करें यार, अब इसके लिए हमारी सरकार कुछ करती है, अगर तब तो अच्छा होता। और क्या बोले, उनको भी क्यों दोषी ठहराए हम। ये देखिए दोस्तों कितने सारे बंदर आ रखे हैं यहाँ इस फील्ड में, देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कम से कम 10-15 बंदर है दोस्तों। और देखिए कितना मोटा है यहाँ बैठा हुआ दीवार के ऊपर, और डरते तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों ये, इनको कितना भी कुछ बोल लो जब तक पत्थर नहीं फेंका तब तक नहीं डरते दोस्तों। ये देखिए कैसे उछल रहे हैं, वो वहाँ पे तार थी दोस्तों, तार खींच रहे हैं वो बिजली वाली तार लोगों की। और ये सामने देखिए दोस्तों सब बैठे हुए हैं, एक दूसरे का जू निकाल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत प्यार से ये बंदर। और नुकसान ज़्यादा करते हैं यार, जिस वजह से दिक्कत हो जाती है, जैसे टंकी का ढक्कन ही तोड़ दिया है, कभी कुछ कर दिया है, वरना यार और को तो क्या बिगाड़ते, पर यही है सिर्फ नुकसान, टंकी का ढक्कन वगैरह तोड़ दिया, कई तार तोड़ दी, कपड़े सुखाने वाली तार तोड़ दी, ये सब कर देते हैं यार, इस वजह से इनको देखिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ये देखिए दोस्तों तार पे लटक रहा है जो मैं आपको बता ही रहा था। तो देखिए जी यहाँ पे रिद्धि, आंसू, राधे और ये आर्य है, तो इनका खतरनाक गेम चल रहा है दोस्तों। आर्य क्या खेल रहा? स्टिकमैन पार्टी। क्या होता है स्टिकमैन पार्टी? ये होता है। अच्छा ये होता है, कैसे खेलते हैं इसको, कैसे खेलते हैं इसको, कैसे? अभी देखना, इसमें पॉइंट आते हैं, अब दिखाओ। अबे हम तो जीत गए, ये देखो कौन जीत रहा, कौन जीत रहा, ये हम सब जीत रहा, हम, मैं, ये और पीले वाले को हमें जीतना नहीं देना। अच्छा पीला वाला कौन है? पीला वाला कोई और है। कौन, राखी है? ये राखी है पीली वाली। हाँ, हमें नहीं जीतना। अच्छा इसको नहीं जीतने दे रहे तुम? जीत गए, पीलू वालू जीत गए हो। पीलू वालू जीत गए हो? मैं क्या जीता तू? क्या तूने कौन सा ट्रॉफी जीती वहाँ? ट्रॉफी हो? और दोस्तों आज आई है संसु इधर, छंचु, और वैसे इसका नाम संस्कृति है लेकिन प्यार से हम इसे छंचु बोलते हैं। और ये देखिए छंचु क्या कहनी, मैं भी दे, मैं दिन मामे दिन दे दे दे, ये आसुमा में दी, आसुमा में दी, है को गंदु, को गंदु, क्यों क्यों है बल गंदा? दोस्तों ये संस्कृति बोल रही कि तुम दोनों गंदे हैं। अच्छा अच्छा, और उसको दे रही है,
अपनी क्या दीदी अपनी दीदी को दे रही बस है। अच्छा अच्छा तुम दोनों गंदे हो, तुम दोनों गंदे हो ना ना, ये दोनों गंदे हैं, तुम दोनों गंदे हम अच्छे हैं। हंसकर तुम दोनों गंदे हैं। और दोस्तों ये रिद्धि सोच में पड़ रही है, पड़ रखी है कुछ पता नहीं क्या सोच रही है। रिद्धि क्या हो गया, क्यों सोच में पड़ रखी है? है मैं सुपरमैन हूँ। सुपरमैन है तू? किसने बोला सुपरमैन है तू? मैंने बोला दुनिया का राक्षस हूँ। दुनिया का राक्षस? नहीं, दुनिया का रक्षा करने वाला हूँ मैं। अच्छा रक्षक? मैं दुनिया का राक्षस हूँ। तू राक्षस है? सुपरमैन। तो दोस्तों ये देखिए बच्चों के अंदर कार्टून का जो भूत है दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए आपस में कुटाई हो रही दोनों की, और एक सुपरमैन कह रहा है और एक अपने को राक्षस बोल रहा है, एक दुनिया का एक रक्षक है और एक दुनिया को मारने वाला है राक्षस। ये देखिए और कैसी लड़ाई हो रही दोनों की, रिद्धि और राधे की। ए लड़ाई मत करो, फूटूंगा। हे हे लड़ाई मत करो रे, ये दुनिया का राक्षस राक्षस है, मार 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 दुनिया का राक्षस। मत मारो। ले राक्षस और पावरफुल होता है, राक्षस और पावरफुल होता है। और अब रक्षक राक्षस को मारते हुए, रक्षक और राक्षस की कुटाई हो रही है दोस्तों आपस में। दोस्तों आज आर्य संस्कृति दीदी और जीजाजी भी आए, दोस्तों घर से आए हैं गांव से, और वो उनका गांव है दोस्तों मुखेम, और यहाँ शादी है दोस्तों उनके रिश्तेदारों की, हमारे भी रिश्तेदार हो लेकिन उनके खास हो, जीजाजी के मौसा जी के लड़के की शादी है तो आए हैं। शादी तो अभी 17-18 को दोस्तों तो होता ही है, अपने खास है तो फिर एक दो दिन पहले आना पड़ता है। और संस्कृति और आर्य को दोस्तों मैं अब आगे ब्लॉग में जरूर लाऊंगा, अभी तो वो चले गए हैं जहाँ शादी हो रही है वहाँ चले गए हो, और अगले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको। मेरे साथ है अभी रिद्धि, और यहाँ पे रिद्धि का ड्रामा तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, रोज हर ब्लॉग में दिखते ही आप यहाँ ऋषिकेश में रिद्धि के कुछ न कुछ नखरे होते रहते हैं। ये क्या हो रहा है? इसे मारने का है। किसको मारने का है? राक्षस को। क्या होता है राक्षस? राक्षस औरों को मारता है। औरों को मारता है, और क्या होता है? और राक्षस सबसे अच्छा होता है, विलन सबसे अच्छा होता है, हीरो को भी मार देते हैं। हीरो बहुत अच्छा होता है। एक अपने से मैं दुनिया का राक्षस राक्षस करने वाला हो रही है, दुनिया का राक्षस तो दोस्तों आपने देख लिया होगा बच्चों का खेल ये, और आजकल जो गेम वगैरह चल रहा है दोस्तों सुपरमैन ये स्पाइडरमैन जो चलता है टीवी पे, जो कार्टून वगैरह भी है और फोन में गेम भी है दोस्तों, इसी से बच्चे पागल हो गए हैं, उसके इतने आदि हो गए कि उनको खाने से मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं, कुछ काम ही कुछ मतलब नहीं है दीन दुनिया से, बस गेम खेलना है और टीवी पे कार्टून देखना। बहुत गंदी लत लग गई यार बच्चों को ये। अभी बज रहे हैं जी शाम के 6 और सूर्य भगवान भी अस्त होने वाले हैं, आप देख सकते हैं किसी ने तब तक पटाखा भी फोड़ दिया, और ये यहाँ पे मकान का काम चल रहा है दोस्तों, तो ये यहाँ पे मिस्त्री अभी तक काम कर ही रहा है, इसकी इनकी छुट्टी नहीं हुई है, अभी प्लास्टर कर रहे हैं, कॉलम भर रहे हैं अभी। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करता हूँ यहीं पे समाप्त, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने पहाड़ी भाई को अधिक से अधिक प्यार दिया जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़े कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाऊं। देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, समो जय श्री राम।